बिजनेस ओडिशा रे आपनो स्वागत करू छी। आज रो टॉपिक रे एक्सपोर्ट टू मालदीव्स उपरे कथा हबा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, मालदीव्स को केमिति एक्सपोर्ट करिवे तापरे वीडियो मु बनि सारी छी। तो मालदीव्स गुटे देश हला श्रीलंका रो तळो आडकु लोकेटेड अछि। जदि आपनो मैप रे देखिवे, इंडिया रो मैप रे देखिवे, इंडिया रो साउथ इंडिया रो केरल परे तळे अछि श्रीलंका, श्रीलंका परे अछि मालदीव्स। तो मालदीव्स गुटे देश अछि जे मालदीव पकरे 1200 उपर को आइलैंड्स अछि, आइलैंड में द्वीप 1200 ऊपर को 1200 प्लस द्वीप को लेकिन मालदीप गोटे देश गठित अच्छे। मालदीप्र राजधानी है माली, मालदीप्र राजधानी माली और तार लोकसंख्या है एप्रोक्सीमेटली 500,000 लोकसंख्या। अच्छा छोट देश अच्छी 500,000 लोकसंख्या, कि मालदीप पाखे बहुत सारे होटेल्स अच्छे, रिसोर्ट्स अच्छे। मालदीप्र जी सब आईलैंड गुड़ा से आईलैंड को क्या जाए पाराडाइज अफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड अफ पाराडाइज मान एठिकार आईलैंड रे बहुत क्लीन एंड अनस्पॉइल आईलैंड्स अच्छे, द्वीप अच्छे से बड़ बड़ लग्जरीयस होटेल बनी से यूरोपियन कंट्री रु यूरोप रु बेसी बेसी टूरिस्ट मैंने आसिकी टाइम स्पेंड करती, छुट्टी कटाती। आउ ये रिसोर्टर दाम बहुत एक्सपेनसीव था, पर डे ये सब रिसोर्टर पर डे दाम था करीब 70,000-80,000 टाँचा पर डे था गोटे होटे गोटे होटेल रिसोर्ट इन मालदीव्स। तो मालदीव्स बेसी बेसी प्रोडक्ट्स इंडिया रु इंपोर्ट करे, कारण मालदीव्स पाखे खाली आईलैंड्स अच्छी आ बेसी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो हुए ना, कारण पाखे चाष जमी किसी ना, देश में पहाड़ ना, पर्वत ना, नदी ना, किसी ना, ओनली बाली किसी बाली थाए, देन आपर आईलैंड्स थाए, द्वीप थाए। से मालदीव्स सबकि इंपोर्ट करे, इंडिया रु इंपोर्ट करे, चाइना रु इंपोर्ट करे, श्रीलंका इंपोर्ट करे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे। आश में ओनली टूरीजम उपरे चले, ट्रैवल एंड टूरिज्म, देश को टूरिस्ट मैंने आसती जे पैसा स्पेंड करती से पैसा मालदीप्र इकोनोमी चले और मालदीप्स एवरीथिंग इंपोर्ट करे। तो मालदीप पाखे खाली सी फुड अच्छी, समुद्र माछ अच्छी, नड़िया अच्छी, बाकी ये देश आ किसी ना, एवरीथिंग मालदीप्स इंपोर्ट्स। ठीक अच्छे, तो मालदीप उपर हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीप्स तापर मुझे वीडियो बन सारी। तो आपड़ जब पुराणा वीड देखापी चाहती यही चैनल टाइप करते यूट्यूब हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीप्स बिजनेस ओडिशा, ओडिशा बिजनेस, तो आप पुराना वीडियोस देखिकी बेसी बेसी इनफर्मेशन पाइपर हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। मालदीव्स एंड इंडिया रो ट्रेड बढ़ी गलानी, इंडिया बेसी बेसी प्रोडक्ट्स मालदीव्स को एक्सपोर्ट कर आसी होची, 587 मिलियन डॉलर रो एक्सपोर्ट बढ़ला 2023-24 रे। बेसी मालदीव्स इंपोर्ट करुछी फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करुछी फ्रॉम इंडिया एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड गारमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करुच्छी, कारण मालदीव जी अच्छी मालदीव्र सबुठू नजदीक कंट्री अच्छी श्रीलंका एंड इंडिया, कि श्रीलंका पाखे एत प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना, इंडिया पाखे एवरीथिंग अवेलेबल अच्छी। तो मालदीव्स इंपोर्ट करने चाहिए फ्रॉम इंडिया। तो प्रतिदिन मालदीव्स को फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट हुए, मानने पनीपरिया और फल मालदीव्स को एक्सपोर्ट हुए प्रतिदिन। तो मालदीव को नर्माली तीन टा पोर्ट एक्सपोर्ट हुए, तमिलनाडु साउथ ऑफ तमिलनाडु कन्याकुमारी पाखे अच्छी गोटे पोर्ट अच्छी, टुटिकर्णी केरल कोची पोर्ट एंड तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट। तो बेसी बेसी बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया टू मालदीव्स है टुटिकर्णी, टुटिकर्णी पोर्ट्रु डायरेक्ट टू माली, तर माली राजधानी अच्छी पोर्ट अच्छी। तो डेली शिपमेंट जावासिया कैर आ बेसी बेसी फल पनीपरिया खाद्य पदार्थ नहीं कि इंडिया शिप्स जाए टू मालदीव्स। अल्सो त्रिवांद्रम एयरपोर्ट, त्रिवांद्रम है केरल राजधानी, तो त्रिवांद्रम एयरपोर्ट रु डेली जे फ्लाइट्स गुड़ा जाए टू मालदीव्स, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह पेरिशेबल वेजिटेबल्स गुड़ा कैरी करके लेके जाए था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रति मास दो तीन मास को थोड़े बहुत सारे सी पोर्ट्स को कनेक्ट करुछन्ते टू द ग्लोबल ग्लोबल मैप्रे। से रिसेंटली वाइजाक एयर सी पोर्ट, वाइजाक विशाखापट्टनम सी पोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कनेक्ट करदे टू मालदीव्स को। तो आउ ईस्टर्न पार्ट रहला वाइजाक और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, वेस्टर्न पार्ट रहला, वेस्टर्न पार्ट रहला कांडला, कांडला सी पोर्ट। तो जितकी सब वेस्टर्न पार्ट रे स्टेट्स अच्छी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, देन आपणकर गुजरात, देन आपणकर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही सब स्टेट्स जितकी सब एक्सपोर्टर्स मैंने बेनिफिट पाइबे से कांडला सी पोर्ट रू मालदीव्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें। कारण आगुरु कौन होता इंडिया रो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट पार्ट रे जितकी सब एक्सपोर्टर्स थे से बाय रेलवेज द्वारा, बाय ट्रक द्वारा, ट्रेलर द्वारा टुटिकर्णी पोर्ट को प्रोडक्ट आणिकी एक्सपोर्ट करने को महंगा पड़ता, एक्सपोर्ट एक्सपेन्सीव हो जाता प्रडक्ट को, से एक्सपोर्ट बेसी कर पार ना। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं भल कले आपणकर वाइजाक पोर्ट को कनेक्ट करदे, से आपड़ ओडिशा इजिली एवं
मालदीव्स को एक्सपोर्ट करें से आप कौन करेंगे ओडिशा रू मार्केटिंग आई मीन प्रोडक्ट सोर्सिंग करवा स्टार्ट कर दिखाँ मो वीडियोस देखूँ केमी कौन सोर्सिंग हुए केमी पैकिंग हुए केमी एक्सपोर्ट हुए केमी मार्केटिंग हुए देखा स्टार्ट कर दिखाँ जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जी सब डॉक्यूमेंट्स दरकार पड़ो एक्सपोर्ट रेडी करूँ वेबसाइट रेडी करूँ आपको घर एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे ओडिशा रे अलग अलग जिले में बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओडिशा रे बहुत सारे फल पनीपरिया ग्रो हो फल पनीपरिया ग्रो करके आई मीन सोर्स करके आपड़ पैक करके वाइजाक एयर वाइजाक सी पोर्ट्रु विशाखापाटनम सी पोर्ट्रु मालदीव्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें ठीक अच्छे आउ बहुत सारे आपने पचार कि वेजिटेबल फ्रूट्स पेरिसेबल प्रोडक्ट खराब हो रिफर कंटेनर रे पठेबे रिफर कंटेनर है गोटे कंटेनर जेटा के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर अच्छे फ्रिज भाया काम देव एस मस दुईमास तीन मस पर्यंत रखिले प्रोडक्ट खराब हम ना तार करेक्ट टेम्परेचर परफेक्ट टेम्परेचर रपणकर आलुपाई जो लंबा जीव लंबा रास्ता आलू भी आपड़ प्रिजर्व पठे पारे आप रिफर कंटेनर में कि ड्राए कंटेनर में देन आप जी सब पेरिसेबल प्रोडक्ट गुड़ा मछला देन आप फ्रेश वेजिटेबल्स होगा फ्रूट्स होगा एगुड़ा आप रिफर कंटेनर में करेक्ट टेम्परेचर में जीव टू मालदीव्स तो मालदीव्स को वाइजाग टू मालदीव्स लगे दि दिन तीन दिन में पहुंची जीव आप शिपमेंट दुई दिन में पहुंची पहुंचीगले आप इजिली मालदीव रू मालदीव को एक्सपोर्ट करें तो ओडिशा रू आप राइस एक्सपोर्ट करें राइस बेसी रू बेसी राइस इंडिया रू जाऊँ तो ओडिशा दुई मास परे राइस रो अमल आसीज तो राइस को सोर्स करके आप वाइजाक सी पोर्ट रू राइस एक्सपोर्ट करें टू मालदीव्स अल्सो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स पनी फल पनीपरिया को सोर्स करके मालदीव्स को एक्सपोर्ट करें देन आप ओडिशा जो हूँ मक्का हूँ मक्का को एक्सपोर्ट करेंगे मालदीव्स रेसोर्ट रे बहुत यूज हो बेबी कॉर्न यूज हो बेबी कॉर्न माने छोटो छोटो मक्का जोटा मक्का आई मीन छोटो मक्काटा जोटा ग्रो होता है छोटो छोटो मक्का को आपड़ कैन रे पैकिंग करके प्रॉपर्ली पैकिंग करके केमिकल्स जहाँ भी दिज्व रिप्रिजर्व करके कैंड बेबी कॉर्न को आपड़ एक्सपोर्ट करेंगे टू मालदीव्स मालदीव्स रेसोर्ट रे बेसी यूज हो स्वीट कॉर्न सूप चाइनीज इंडिया रे फूड प्रोडक्ट यूज करने कॉर्न यूज हो तो ओडिशा रे बहुत मक्का हो मक्का को प्रोसेस करके पैक करके आपड़ बेबी कॉर्न एंड कॉर्न को पैक करके भल भाव में मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे अल्सो मालदीव्स ओडिशा रे जे कॉफी होची कॉफी को ब्रांड करके मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे आपड़ दार्जिलिंग एंड वेस्ट बेंगल रू टी चाय को सोर्स करके पैक करके मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे ओडिशा रू चावल एक्सपोर्ट करेंगे ओडिशा रू आपड़ जी सब यूटेनसिल्स आपन बासन कोसन एक्सपोर्ट करेंगे ओडिशा रू आप आयरन एंड स्टील स्टील प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल भाव में आप मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे लास्ट वीडियो में आपको कही काउडंग ओडिशा गोबर को प्रोसेस करके आप मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत भल कले आपई वाइजाक सी पोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करदे टू मालदीव्स तो आप इजिली वाइजाक पोर्ट रू मालदीव्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे कंट्री उपरे वीडियो जानूची एबे यूरोपियन कंट्री उपरे वीडियो आसूची केमिति आपण अलग अलग देश को एक्सपोर्ट करें यूक्रेन उपरे वीडियो आनीथिले तो नेक्स्ट वीडियो रे आउ अलग अलग देश उपरे वीडियो जानूची तो आपण चैनल को सब्सक्राइब करके बेसी बेसी वीडियोस देखिकी निजर स्टार्ट कर दिंतु एक्सपोर्ट कंपनी ओडिशा रे स्टार्ट कर दिंतु यदि आपनको पर्सनल ट्रेनिंग दरकार पड़े तो आप मोर जे प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करूँ प्रति मासर कॉस्ट प्राइस है 159 रुपीज देखिए मो प्राइवेट वीडियो देखिकी आप बेसी बेसी ऑनलाइन क्लास रे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखी पारे जदि आप इंटरेस्टेड था आप मतलब कॉन्टैक्ट करते थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय जगन्नाथ।